Subscribe Adda 24/7 and press the bell icon. हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है दोस्तों आपका एसएससी अड्डा पे। और हाँ दोस्तों, आज जो हम लोग करने वाले हैं वो क्या है, आपके रेलवे के जो ऐसे क्वेश्चन जो बायोलॉजी के सेक्शन से हैं, खास करके जूलॉजी से हैं, बायोलॉजी से भी नहीं, एक उसके सब पार्ट जूलॉजी से हैं और टफ लेवल पे हैं, जूलॉजी से हैं और टफ, क्योंकि हम लोग बायोलॉजी में तो बहुत सारे क्वेश्चंस देखते रहते हैं कि ह्यूमन ब्लड देख लिया तो आपका लीवर देख लिया, किडनी देख लिया, डिजीज देख लिया, विटामिन देख लिया, ये आप लगभग पढ़े रहते हो। लेकिन दोस्तों जब जूलॉजी की बात आती है, घोघा की बात आती है, मोलस्का परिवार की बात आती है, एनेलिडा की बात आती है, ब्लू व्हेल की बात आती है, तो सच्चाई यही है कि हम लोग फेल खाते हैं। हम लोग या तो फोटोसिंथेसिस पेड़ पौधों पे जोर दे देते हैं या तो ह्यूमन बॉडी पे। लेकिन दोस्तों मैंने एनालाइज किया कि हर पेपर में जब भी बायोलॉजी के सेक्शन से टफ क्वेश्चन होता है तो वो जूलॉजी की तरफ चला जाता है, क्लासिफिकेशन की तरफ चला जाता है, वर्गीकरण की तरफ चला जाता है। तो आज बायोलॉजी के वही क्वेश्चन, जूलॉजी के वही क्वेश्चन जो रेलवे में अब तक टफ लेवल पे पूछे गए हैं या मॉडरेट, अब आपको आता है तो वो आसान है, नहीं आता है तो भैया टफ है। तो चलिए, आयु सिंह, तपस, पंडित जी, प्रशांत, रुचि, तान्या, सत्यजीत, सभी को गुड आफ्टरनून और शुरू करते हैं आज का सेशन। सेशन शुरू करने से पहले बता दूं, शाम को गवर्नर जनरल वायसराय के बारे में चलेगा, लॉर्ड डफरिन से आगे चलेगा, वो आपको ध्यान होना चाहिए कि वो हम लोग लेक्चर लेंगे शाम को 6:45 पे एसएससी अड्डा और अड्डा 24/7 पे। और हाँ, कल सुबह 7 बजे, कल सुबह मतलब सैटरडे को सुबह 7 बजे हिस्ट्री के एमसीक्यूज और डिटेल लेकर आ रहा हूं, लेकिन कल सुबह 7 बजे, तो कल सुबह 7 से 8 मुझसे जुड़ना मत भूलिएगा। कल थोड़ा सोए सोए ही बेड पे लेटे लेटे या अपने लैपटॉप अपने मोबाइल का उपयोग करते हुए सुबह 7 बजे ऑनलाइन रहेगा। कंप्यूटर जी पहला क्वेश्चन ला दीजिए। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टडी ऑफ स्पाइडर्स, स्पाइडर्स की स्टडी को क्या कहते हैं दोस्तों, जरा बताइएगा। बिल्कुल, स्पाइडर्स की स्टडी को क्या कहते हैं। शैलेंद्र कुमार, जियोग्राफी होगी दोस्त, जियोग्राफी। एक्चुअली कल जो था वो सेशन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, टेक्निकल इशू आ गया था, इस वजह से नहीं हो पाया, वो सेशन मैं करा लूंगा, क्लियर है दोस्त, कराऊंगा। तो जरा सर लाइव होगा आज या नहीं, भैया लाइव ही तो चल रहा है, अब क्या करना है, लाइव ही तो चल रहा है। हेमा राय जी, बानी, बानी जी, हेमा नहीं, बानी, क्लियर है। यानी मैं मास्टर ने नेते मेरे को भूल गए, अमरेंद्र बाहुबली, अच्छा ठीक है, ठीक है, भूल गए तो भूल गए होंगे। चलिए आंसर करिएगा पहले क्वेश्चन का, पहले क्वेश्चन का आंसर राजू शर्मा ने बी दिया है, रोहिणी ने ए दिया है, दिलीप ने एक्स क्रेनरी लिख करके भेज दिया है, एरनोकोलॉजी लिख करके भेजा है, आपके कमेंट में पढ़ पा रहा हूं दोस्तों। जो इसका सही आंसर है दोस्त वो क्या है, एरेक्नोलॉजी, जो इसका एरेक्नोलॉजी, जो इसका ए ऑप्शन है दोस्त वो क्या है, करेक्ट है, मकड़ियों के अध्ययन को स्टडी ऑफ स्पाइडर्स नोन एज द एरेक्नोलॉजी, ठीक है, एरेक्नोलॉजी कहते हैं मकड़ियों के अध्ययन को। एंथ्रोपोलॉजी और इस तरीके के पोमोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ये सब जो है दोस्तों, एंथ्रोपोलॉजी मानवता से संबंधित अध्ययन को कहते हैं, पुराने अध्ययन को कहते हैं, थोड़ा पोमोलॉजी फलों के अध्ययन को, तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, सब्जियों के अध्ययन को। तो एरनेकोलॉजी क्या है दोस्तों, मकड़ियों के अध्ययन से संबंधित है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन लाया जाए, अगला क्वेश्चन सर, बहुत बढ़िया दोस्तों, मैं मानता हूं आज का क्वेश्चन लेवल टफ होगा थोड़ा सा, लेकिन आपको करना पड़ेगा क्योंकि ये जूलॉजी के हैं और रेलवे में ये पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो मकड़ियों में कितनी जोड़ी आंखें होती है जरा बताइएगा, 1, 2, 4 या फिर 8, जोड़ी पूछा है, पेयर्स पूछा है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ आईज डू स्पाइडर्स हैव, स्पाइडर्स के पास कितनी आंखें होती है दोस्तों जरा बताइएगा। सौरभ शाह जी, अमरेंद्र, आयुष, पूजा, रमेश, तान्या, रविंद्र, जरा बताओ मेरे दोस्तों कितनी आंखें होती है, मकड़ियों में कितनी जोड़ी आंखें होती हैं, बिल्कुल जुड़िएगा और अच्छे से बताइएगा दोस्तों। अच्छा बानी 96, बानी आप अपने कमेंट को कमेंट बॉक्स में डिटेल में लिख के भेजिएगा, मैं स्टडी करके उसके बारे में बताऊंगा। यहां पे आंसर कर पाना टफ हो रहा है क्योंकि आप इस पेड कोर्स के बारे में बात कर रही हैं और पेड कोर्स के बारे में आप क्या पूछना चाह रही है वो क्लियर नहीं हो पा रहा है मुझे, तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, मकड़ियों में कितनी जोड़ी आंखें होती हैं दोस्तों। याद रखना इसका ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन करेक्ट है, 4 जोड़ी। कितनी जोड़ी आंखें होती हैं दोस्तों, तो 4 जोड़ी आंखें होती हैं, 4 जोड़ी का मतलब कितना हो गया दोस्त, 8 आंख, एक जोड़ी में 2 आंख होंगी तो कितनी, 4 जोड़ी या फिर
आठ आंखें, अब इसमें कितना पूछा है, जोड़ी पूछा है, तो फिर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। यदि आंखें पूछा होता तो आठ, क्लियर है। मकड़ियों में भैया मतलब कितना यूनिक टाइप का, कुछ लोग को आज ही पता चला होगा कि मकड़ियों में आठ आंखें होती हैं, क्लियर है, सही बोल रहा हूं कि नहीं। चलिए तो क्लास ले रहे हैं बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन लाइएगा स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलस्का परिवार से संबंधित है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू द मोलस्का फैमिली, आपको बताना है। अब देखो दोस्त मैं यही कहा था, इस सेक्शन से जब क्वेश्चन आते हैं ना तो अक्सर हम लोग से या तो नहीं बनते या तो गलत हो जाते हैं, तो जरा बताना दोस्तों कि ये किसका सही आंसर है, किस क्वेश्चन में मोलस्का परिवार से कौन बिलोंग करता है। तो भैया मोलस्का से कौन बिलोंग करता है, तो जो भैया आपका स्नेल है, घोंघा है, घोंघा जो गांव में पानी में पाया जाता है, गांव में ही अक्सर देखने को मिला, वैसे गंगा उंगा जी के किनारे भी देखने को मिल जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है दोस्तों, बी ऑप्शन, द स्नेल। और आपको बता दें मोलस्का में भी एक सब परिवार है जिसका नाम है गैस्ट्रोपोडा, तो मोलस्का में भी अगर आपसे कोई पूछ दे कि ये किससे बिलोंग करता है तो गैस्ट्रोपोडा से, मोलस्का के अंदर गैस्ट्रोपोडा से बिलोंग करता है आपका क्या, घोंघा, क्लियर है। मोलस्का के अंदर गैस्ट्रोपोडा से बिलोंग करता है आपका स्नेल या फिर घोंघा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। कितने लोगों ने, बहुत बढ़िया, आकांक्षा जांगड़े ने इसका बी आंसर दिया है, संध्या कश्यप ने बी, राजदीप ने इसका बी आंसर दिया है, बहुत बढ़िया दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन लाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सर, अगला क्वेश्चन, मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहते हैं, मगरमच्छ कहते होंगे भाई, चलिए चलिए बताइएगा मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहते हैं। भाई राक्षस के बच्चे को राक्षस ही बोलेंगे तो मगरमच्छ के बच्चे को मगरमच्छ ही बोलेंगे है? लेकिन भैया यहां ऑप्शन है कोडलिंग, गोसलिंग, फिंगरलिंग या फिर हैचलिंग, बताइएगा दोस्तों। यार ये जो गोसलिंग है, गोसलिंग तो हंस के बच्चे को कहते हैं, यहां तक मैं कंफर्म हूं, गोसलिंग हंस का बच्चा है। जो कोडलिंग है दोस्तों, एक मछली होती है कॉड मछली, कॉड मछली के बच्चे को कहते हैं कोडलिंग, हंस के बच्चे को कहते हैं गोसलिंग, और फिंगरलिंग जो है बच्चों मछली के बच्चों को, फिश के बच्चों को कहते हैं फिंगरलिंग, और दोस्तों मगरमच्छ के बच्चे को कहते हैं हैचलिंग। तो ध्यान रखेंगे इसका कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन। अब कितने लोगों ने ये आपको बताया होगा, देखिए इसका आंसर क्या है दोस्तों, डी ऑप्शन। याद रखना कोडलिंग क्या है दोस्तों, एक कॉड मछली होती है, कॉड मछली के बच्चों को कोडलिंग कहते हैं, गोसलिंग क्या है दोस्तों, गोसलिंग आपके ये क्या बोलते हैं हंस के बच्चों को गोसलिंग, और फिंगरलिंग मछली के बच्चों को फिंगरलिंग, और हैचलिंग क्या है दोस्तों, तो मगरमच्छ के बच्चों को हैचलिंग कहा जाता है, क्लियर रहेगा, ध्यान रहेगा मगरमच्छ के बच्चों को। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और बताइए जरा हमारे स्टूडेंट्स को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रीढ़ की हड्डी वाला जीव कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पाइनल ऑर्गेनिज्म, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड है, रीढ़ की हड्डी वाला जीव कौन सा है, पांचवा क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों, रीढ़ की हड्डी वाला जीव कौन सा है, पांचवा क्वेश्चन। जरा जुड़ना और अच्छे से बताना दोस्तों कि पांचवे क्वेश्चन का आंसर क्या है, और दोस्त जब आप आंसर करें तो आप कुछ ऐसे लिखा करें, पांचवे का ए, पांचवे का बी, पांचवे का सी या पांचवे का डी, तो इससे क्या होता है कि हमको यह क्लियर हो जाता है कि आपने प्रीवियस का आंसर दिया है या करंट का आंसर दिया है, क्लियर है दोस्तों। जरा बताइएगा सही आंसर इसका क्या है, सही आंसर। और हां इन्फॉर्म कर रहा हूं, आज शाम 6:45 वायसराय के ऊपर डिटेल क्लास है, थियरी क्लास है, तो कल सुबह 7 से 8 एक घंटे हम आपसे जुड़ेंगे और वहां पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, बहुत जीएस और एसएससी और एनटीपीसी के इंपॉर्टेंट चीजों को देखेंगे, जीएस से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड। पांचवे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों, ए ऑप्शन कीवी, पांचवे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों, ए ऑप्शन कीवी। निम्नलिखित रीढ़ वाला हड्डी वाला जीव कौन है, कीवी, क्लियर है। तो ये कीवी, ये कहां का राष्ट्रीय पक्षी है दोस्तों, न्यूजीलैंड का, जो न्यूजीलैंड के प्लेयर होते हैं उनको कीवीज भी कहा जाता है, क्लियर है। तो कीवी न्यूजीलैंड से बिलोंग करता है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन सर, अगला क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, जरा बताइएगा सील मछली द्वारा किए गए आवाज को क्या कहते हैं, जो सील मछली है वो जो पर्टिकुलर आवाज प्रोड्यूस करती है उसको क्या कहते हैं, बार्क कहते हैं या मुंह कहते हैं या स्क्रीच या ग्राउल, जो सील मछली पर्टिकुलर आवाज प्रोड्यूस करती है उसके आवाज को क्या कहा जाता है दोस्तों, जरा बताइएगा, जुड़िएगा दोस्तों। और हां ज्यादा से ज्यादा दोस्तों लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए दोस्तों, जो हमारे नए दोस्त हैं अगर उन्हें क्वेश्चन एनटीपीसी का इस तरीके का पसंद आ रहा है दोस्तों तो सब्सक्राइब करना ना भूले। याद रखना बहुत ज्यादा थियरी नहीं, एमसीक्यू ही आपका बेड़ा पार लगाएगा, इस बात को आप याद रखना।
सील मछली द्वारा, इससे आपको वेरिएशन पता चलता है भाई कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप देख लीजिए जूलॉजी के क्वेश्चंस का लेवल क्या है। तो दोस्तों छठवें क्वेश्चन का जो आंसर है सील मछली, इसका सही आंसर है दोस्त ए ऑप्शन बार्क। सी मछली के आवाज को क्या कहते हैं दोस्तों? बार्क। सी मछली के आवाज को बार्क कहा जाता है, ध्यान रखिएगा बार्क कहा जाता है। सील मछली द्वारा किए गए आवाज को क्या कहते हैं? तो बार्क कहते हैं, ध्यान रखेंगे बिल्कुल दोस्तों। चलिए सर अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, यार इन क्वेश्चंस का पीडीएफ जरूर रख लेना, इन्हीं क्वेश्चंस में से एक आध क्वेश्चन दोहरा देगा, आप देख लेना क्योंकि ये दो दो तीन तीन बार रेलवे में पूछे गए क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसके अधिकतम पैर होते हैं? मछली के आठ आंख थे, अरे सॉरी मकड़ी के, स्पाइडर के चार जोड़ी आठ, अब पूछ रहा पैर किसके अधिक होते हैं? मकड़ी के, सहस्त्रपाद के, गोजर के, या व्यांग पतंग के, स्पाइडर के, या मिलेनियम के, या मिलीपेट के, या फिर हंट्समैन काइट के, आपको बताना है। भैया देखो अगर हिंदी वाले नाम को ध्यान दे दोगे तो समझ जाओगे कि आंसर भी वही है। हिंदी वाला बी ऑप्शन, देखो सहस्त्र मतलब होता है हजार और पाद मतलब होता है पैर, तो सहस्त्रपाद बी ऑप्शन मिलेनियम इसका सही ऑप्शन है, इसका बी ऑप्शन दोस्तों करेक्ट है। सातवें क्वेश्चन का कौन सा करेक्ट है दोस्तों? बी ऑप्शन। और जरा मैं कमेंट बॉक्स में देखूं कि कितने, दीपक ने, इंफॉर्मेशन सेंटर ने इसका बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन दिया, बढ़िया दीपक जी रही हूं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट ब्रीडिंग थ्रू मुकुलन? क्लियर है। अब आप बोलेंगे मुकुलन क्या है? भैया इसके लिए आप अपनी थ्योरी बुक को कंसल्ट करें, यहां तो आज मैं एमसीक्यू ही करा पाऊंगा, कभी बायोलॉजी की डिटेल क्लास लूंगा, जूलॉजी की उसमें आपको बताऊंगा कि मुकुलन क्या है। तो निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता? अब इस क्वेश्चन से एक चीज क्लियर हुआ ना कि आपको मुकुलन पढ़ना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा, यही देता है आपको एमसीक्यू प्रीवियस ईयर पेपर, एक आइडिया देता है कि पढ़ना क्या है, किस चीज को छोड़ना है, किस चीज पे समय व्यर्थ जा रहा है और किस दिशा में सही लेके जाना है। आठवें क्वेश्चन का जो दोस्तों आंसर है एनेलिडा, जो इसका डी ऑप्शन है एनेलिडा, ये इसका क्या है? सही ऑप्शन है। मुकुलन द्वारा प्रजनन कभी भी एनेलिडा संघ के पशु जानवर नहीं करते हैं, जीव कभी भी एनेलिडा संघ के मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करते हैं। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन सर अगला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे है, जरा आंसर करिएगा, बताइएगा सबसे बड़ा स्तनपाई कौन है? विच व्हाट इज द लार्जेस्ट मैमल? ये तो आसान क्वेश्चन है, आई होप ये तो आसान क्वेश्चन है, जरा बताइएगा विच व्हाट इज द लार्जेस्ट मैमल, नौवे क्वेश्चन का आंसर करिएगा। नौवा क्वेश्चन क्या है दोस्तों? लार्जेस्ट मैमल कौन सा है इसमें दोस्तों? आपको बता दें 35 मीटर लगभग लंबा, 150 टन विजयी वजनी मतलब वेटेड, 35 मीटर लंबा 150 टन वजनी औसतन ब्लू वेल होती है। नौवे क्वेश्चन का सही आंसर क्या है दोस्तों? सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ब्लू वेल। करीब 35 मीटर औसतन लंबी होती है, 150 टन इनका क्या होता है? वेट होता है। और ये जूलॉजी के किस कुल से बिलोंग करती हैं? सिटेसिया कुल से। अगर आपसे पूछे कि ये किस वर्ग से बिलोंग करती हैं, तो कौन सा वर्ग है ब्लू वेल का? सिटेसिया वर्ग। ये सिटेसिया वर्ग से बिलोंग करती हैं ब्लू वेल, और ये क्या करती है? ये 35 मीटर लगभग औसतन लंबी और 150 टन भारी होती हैं। तो हाथी होती से बहुत ज्यादा आगे निकल गया अफ्रीकन हाथी से, और ये ब्लू वेल किस वर्ग से बिलोंग करती है? तो सिटेसिया से। क्लियर है। चलिए नौवे का सी बहुत सारे लोगों ने आंसर किया है, आसान था ये, एक नई चीज याद रखिएगा, सिटेसिया वर्ग से बिलोंग करते हैं। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युग के दौरान डायनासोर फले फूले? ड्यूरिंग विच एरा डिड डायनासोर फ्लोरिस? आपको बताना है प्रोटोजोइक, पैलेजोइक, सेनोजोइक या मीसोजोइक, आपको बताना है कि कब ये फले फूले। ऑप्शन आप इंग्लिश वाले के हिसाब से करिए, क्लियर है, ऑप्शन आप इंग्लिश वाले के हिसाब से करिए कि दसवें क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। मतलब आप जिसको डायनासोर का युग कह सकते हो, डायनासोर एरा कह सकते हो, इसमें से कौन सा है दोस्तों दसवें क्वेश्चन का आंसर? बताइए दोस्तों दसवें क्वेश्चन का आंसर क्या सही है। और हां दोस्त, यदि आपको जो क्वेश्चंस का लेवल है, जो क्वेश्चन का तरीका है एनटीपीसी रेलवे के लिए पसंद आ रहा है दोस्तों, तो लाइक जरूर करिएगा। क्लियर है दोस्त? नहीं पसंद आ रहा है तो लाइक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि इस तरीके क्वेश्चन आते हैं और तब आपसे नहीं बनते हैं दोस्तों, तो जो आपका मन ईमानदारी से आपको कितने क्वेश्चन, और मैं ऐसे बताता हूं, अगर आपको 10 में 15 में से 10 से ज्यादा आ रहे हैं तो लाइक मत करिए, लेकिन यदि
आपको 10 से कम आ रहे हैं तो भैया लाइक आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये क्वेश्चंस के आंसर किसने लाके दिए, तो आपके गुरुजी ने। 10वें क्वेश्चन का आंसर क्या है दोस्तों? डी ऑप्शन सही है, मैसेज जोई केरा। इसका कौन सा ऑप्शन सही है दोस्त? डी ऑप्शन सही है। मैसेज जोई केरा को हम डायनासोर युग भी कहते हैं, और उस समय डायनासोर पृथ्वी पे बहुत ज्यादा फले फूले। क्लियर है दोस्तों? डायना बहुत बहुत बढ़िया, अमरेंद्र बाहुबली ने इसका डी ऑप्शन दिया है, बहुत सही दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं सर, जरा अगला क्वेश्चन लाइएगा सर, बायोलॉजी का, जूलॉजी का। मानव जनित जलवायु परिवर्तन के कारण विलुप्त होने वाले, अब देखो ये रेलवे के क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है, क्या कहोगे कि सर ये तो सीजीएल के लेवल पहुंच गया? भाई आप एग्जामिनर को पकड़ तो सकते नहीं हो, क्लियर है? चुपचाप उसने क्वेश्चन दिया, आ रहा है तो आंसर करिए, नहीं तो किनारे जाइए, कोई दूसरा सिलेक्शन ले लेगा, ठीक है। मानव जनित जलवायु परिवर्तन के कारण विलुप्त होने वाले पहली स्तनपायी प्रजाति निम्नलिखित में से कौन सी है? मानव जनित जलवायु, हम लोग ने जो प्रदूषण किया उसकी वजह से इसमें से कौन सबसे पहले विलुप्त हुआ है? देखो मतलब सबसे पहले का पूछ रहा है, ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, सबसे पहला का पूछ रहा है, जरा बताइएगा दोस्तों क्या है आंसर करके। 11वें क्वेश्चन का बताओ दोस्तों क्या है, जरा दोस्तों। सर प्लीज पीडीएफ कहां मिलेगा? सुभाष जी पीडीएफ मेरे लेक्चर खत्म होने के बाद आपको मिल जाएगा, क्लियर है सुभाष जी, आपको निश्चित तौर पे पीडीएफ मिल जाएगा इसका। तो भैया इसका जो आंसर है बेनब्रेल के मेलोमेस, ये जो बेनब्रेल के मेलोमेस है दोस्तों ना, ये ऑस्ट्रेलियाई चूहा को कहा जाता है। ऑस्ट्रेलियाई चूहा पहला स्तनपायी है दोस्तों जो मानव जनित जलवायु परिवर्तन के कारण मरा था, और उस बेनब्रेन के मेलोमेस जो लिखा हुआ है ये ऑस्ट्रेलियाई चूहा है दोस्त, और इसका ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। ऑस्ट्रेलियाई चूहा के कारण ये क्या हुआ है दोस्तों? मानव जनित पहला शिकार वही हुआ प्रदूषण का, क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन सर, अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में कौन सा मार्सुपियल्स का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मार्सुपियल्स? आपको बताना है मार्सुपियल्स का उदाहरण क्या है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये मार्सुपियल्स क्या है? भैया मार्सुपियल्स को ऐसे समझना, लेकिन अगर मैं मार्सुपियल्स समझा दिया ना तो फिर आप आंसर बड़े आसानी से कर दोगे, लेकिन मैं थोड़े देर वेट इसलिए करना चाह रहा हूं, कि आप जरा देखो आंसर क्या करोगे, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि मार्सुपियल्स क्या है, फिर देखो आपका, तब आपको यह रियलाइज होगा, महसूस होगा कि आपकी इंग्लिश या फिर जूलॉजी की जानकारी कितनी स्ट्रांग चल रही है। जरा बताना दोस्तों मार्सुपियल्स, देखिए कुछ लोगों ने इसका आंसर दिया है 12वें का ए, कुछ लोगों ने सी ऑप्शन दिया है, खिलाड़ी कुमार ने सी ऑप्शन दिया है जो कि गलत है, पहले ही बता दूं, क्लियर है? तो भैया एक चीज आपको, फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न, अच्छा इसमें चंदू प्रिंस भैया अलग ज्ञान लिए फिर रहे हैं, वो भारत रत्न का पहला रेसिपिएंट, अरे यार जब क्लास बायोलॉजी की चल रही है तो उसमें भारत रत्न का ज्ञान अपना क्या बांट रहे हो, बायोलॉजी जूलॉजी के आंसर करो, फर्जी टाइप का यार कुछ भी चंदू भैया जी आप कर रहे हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, चंदू भैया को अपना क्वेश्चन साइड करने दीजिए, आप इस क्वेश्चन का आंसर करिए। निम्नलिखित में से कौन सा मार्सुपियल्स का उदाहरण है दोस्त? मार्सुपियल्स मतलब ये होता है जो थैली नुमा शिशुधानी, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनके आगे थैली नुमा शिशुधानी होता है जिसमें अपने बच्चे को बैठा लेते हैं, दैट इज नोन एज द मार्सुपियल। और ऐसा कौन है दोस्तों? ऑस्ट्रेलियाई कंगारू, क्लियर है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? सही, कंगारू, ऑस्ट्रेलियाई कंगारू, क्लियर है? मार्सुपियल्स जो थैली नुमा शिशुधानी जिनके शरीर के अंदर लगी होती है नेचुरली, दैट इज नोन एज द मार्सुपियल, एंड दैट वन इज द कंगारू, क्लियर है? तो चलिए ए ऑप्शन सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ला दिया जाए, अगला क्वेश्चन सर स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ चुका है, जरा आंसर करके बताना, लीमर क्या है? लीमर क्या है? फिर से वही बात कि अगर आपकी जूलॉजी पे पकड़ है तो आप लीमर को बता सकते हो कि लीमर क्या है दोस्तों। 13वें क्वेश्चन का आंसर अब कमेंट बॉक्स में आपके जुड़ चुका हूं, कीर्ति, खिलाड़ी कुमार, संजीव, इंजीनियर राजा, शोविक बनर्जी, राजू, श्वेता सिंह, जरा बताइएगा, बबीता गौतम, आंसर बताइएगा दोस्तों कि 13वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जरा बताइएगा दोस्तों 13वें क्वेश्चन का लीमर क्या है। अब देखो भैया लीमर क्या है ये जब बताएंगे तो मैं समझ पाऊंगा लीमर क्या है, बताइएगा। 13वें का ए बताया है, हाँ बिल्कुल, मानव शरीर में एक हड्डी भी होता है लीमर, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से विवादित हो जाएगा, क्लियर है? अब यही बता दूं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है दोस्तों? डी ऑप्शन, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? डी। भैया जो लोग कह रहे हैं कि मानव शरीर में एक हड्डी, दोस्तों वो लीमर नहीं फीमर होता है, फीमर जो आपकी जांग की हड्डी होती है, क्लियर है? वो लीमर नहीं होता है, फीमर होता है, और ये लीमर पूछा है।
मेडागास्कर में पाए जाने वाले जानवर को लीमर कहा जाता है और सब लोग फीमर समझ के आंसर दे रहे हो। भैया ये कौन सा तरीका है? फीमर, फीमर एक हड्डी है लेकिन फीमर है ना, ये तो लीमर पूछा है, एल ई एम यू आर है, और जबकि उस पे उसकी स्पेलिंग एफ ई एम यू आर है। तो किस बेसिस पे दोस्तों आपने ए ऑप्शन इसका करेक्ट किया है? यह जल्दबाजी में किया गया, बिना सोचे समझे किया गया आपका आंसर था दोस्तों। लीमर मेडागास्कर में पाए जाने वाले एक जानवर को कहते हैं, क्लियर है दोस्तों, न कि मानव शरीर में एक हड्डी। मानव शरीर में एक हड्डी है, फीमर एफ ई होता है, जबकि ये पूछा एल ई है। क्लियर? नहीं भैया योगी योगी अरविंद जी मैं नाराज हो, राज नहीं हूं यार, ऐसे ही है। हाँ सौभिक बनर्जी, अगर आपका सही है तो बहुत बढ़िया। सर बाद में मैंने कहा था, अच्छा कोई बात नहीं, बिल्कुल कहा होगा आकांक्षा मालिया जी, मैंने ध्यान नहीं दिया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन ला देते हैं सर, जरा 14वें क्वेश्चन पे आ जाइए सर। निम्नलिखित में से किसमें होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? 14वां क्वेश्चन, होमोडोंट। होमोडोंट मतलब जानते हो दोस्तों, सभी दांत एक समान, सभी दांत एक समान। किसमें होते हैं? मछली में, मानव में, तेंदुआ में या घोड़ा में? या मानव में तो नहीं होता है, क्लियर है। मछली, तेंदुआ और घोड़ा, फिश, लेपर्ड और हॉर्स, ये ऑप्शन हो सकते हैं। होमोडोंट, जो सभी दांत एक समान हो दोस्त, उसे क्या कहते हैं? होमोडोंट कहते हैं, क्लियर है, उसे होमोडोंट कहते हैं। और हां शाम को 6:45 पे गवर्नर जनरल और वायसराय से संबंधित क्वेश्चन किया जाएगा दोस्तों। तो कल सुबह 7 से 8 हिस्ट्री का एमसीक्यू लेकर के आऊंगा, और वो क्वेश्चन जो आरआरबी, एनटीपीसी और एसएससी में मतलब टफ लेवल के रहे हैं, जो जल्दी कोई नहीं कर पाता है। और आप जानते हो कि जब मैं हिस्ट्री का एमसीक्यू कराऊंगा तो एक क्वेश्चन में 5-5 इंफॉर्मेशन देता जाऊंगा। तो कल सुबह 7 से 8 जुड़ना जरूर है, क्लियर है, शनिवार को एसएससी अड्डा पे, क्लियर है। और आज शाम को तो 6:45 पे क्लास है ही है, गवर्नर जनरल और वायसराय की थियरी क्लास। चलिए 14वें क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्त, वो है मछली। मछली के होमोडोंट होते हैं, इसका ए ऑप्शन क्या है दोस्त? करेक्ट है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सर 15वां क्वेश्चन ला दिया जाए, सर 15वां क्वेश्चन दोस्तों, 15वां क्वेश्चन स्क्रीन पे है, और जरा आंसर करो 15वें क्वेश्चन का, बताना कि क्या सही आंसर है 15वें का। निम्नलिखित में से खाद्य श्रृंखला का दूसरा पौष्टिक स्तर क्या है? मतलब आपका फूड चेन चलता है ना, फूड चेन में प्रोड्यूसर होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, पिरामिड होता है, एनर्जी का पिरामिड होता है दोस्तों। तो उस थिंकिंग को जरा थिंक में लाना और बताना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड न्यूट्रिशनल लेवल ऑफ द फूड चेन। सेकेंड लेवल पे कौन है? फर्स्ट पे नहीं है, सेकेंड पे। 15वां का पूछ रहा है दोस्तों, जो बी ऑप्शन पे है वही सेकेंड पे है, क्योंकि घास तो प्रोड्यूसर है, उसको खाया चूहा, उसको खाया सांप और उसको खाया चील, क्लियर है दोस्त। तो इसका जो सही आंसर है, ग्रास, देन रैट, देन स्नेक, देन द ईगल। तो भैया पूछ रहा है सेकेंड लेवल पे कौन है, तो सेकेंड लेवल पे कौन आ जाएगा? चूहा, मतलब बी आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। चूहा मतलब आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है दोस्त? बी ऑप्शन करेक्ट है, क्लियर है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो आज ये 15 क्वेश्चन रहे जूलॉजी के, क्लियर है दोस्त, ये 15 क्वेश्चन किसके रहे? जूलॉजी के। अगले हफ्ते दोपहर में जब सोमवार से, अब शनिवार को तो कल सुबह 7 से 8 क्लास लूंगा, संडे इस बार क्लास में ले नहीं रहा हूं, तो आपको मैं बताऊं कि जब मंडे को दोपहर में 1:15 पाएंगे तो रेलवे के स्पोर्ट्स के क्वेश्चन, 2 दिन लगातार स्पोर्ट्स, खेल, खिलाड़ी कितने खेल खेलते हैं, ओलंपिक का इतिहास क्या है और भी बहुत कुछ। तो अगला हफ्ता दोस्तों 1:15 से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एनटीपीसी के दृष्टिकोण से। स्पोर्ट्स चलेगा, रेलवे में रेलवे डिपार्टमेंट के क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पढ़ाऊंगा अगले हफ्ते, और दोस्तों रेलवे में एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पढ़ाऊंगा अगले हफ्ते 1:15 से। लेकिन आज शाम गवर्नर जनरल और वायसराय, और कल सुबह 7 से 8 हम लोग किसके लिए जुड़ने वाले हैं? 7 से 8 हम लोग जुड़ने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री के लिए, क्लियर है दोस्त। तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, मिलिए। हेलो एवरीवन, इस बार हुआ सीजीएल आसान, क्योंकि अड्डा 24/7 के पास है इसका समाधान। हम आपके लिए लेके आ रहे हैं एसएससी की लाइव क्लासेस, वो भी बाइलिंगुअल, जिसमें आप पढ़ेंगे इंग्लिश के एरर्स, ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इजी ट्रिक्स के साथ।
सो रीजनिंग में हम आपको पढ़ाएंगे कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक्स के साथ हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेहतरीन तरीका। और जीएस में हम लोग देखेंगे हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, करेंट अफेयर्स, वो सब कुछ जो आपको 25 में 25 मार्क्स दिला दें। और साथ ही साथ आपके सुपर फेवरेट मैथ्स के संतोष सर लेकर आएंगे लिए आपके लिए मैथ्स की पाठशाला। तो इस बार सीजीएल उड़ा देंगे। हेलो एसएससी सीजीएल एस्पिरेंट्स, लेस देन 120 डेज आर लेफ्ट इन योर एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन। With continuous change in pattern, difficulty level and cutoffs increasing year on year, you need to start preparing now. Here we come with a new batch of SSC CGL Tier 1. So, what's special in this batch? This batch is completely in English medium. Now, in this paid live batch, we are offering 450 plus hours of live classes, 4000 plus questions to practice, e-practice books, previous year question papers, and one-on-one doubt clearing sessions on Telegram. With this batch, you will get clarity of concepts, short tricks and speed enhancement. Join this batch! हेलो दोस्तों, मैं अक्षय अवस्थी आपके लिए लेके आ रहा हूँ आरआरबी एनटीपीसीओ ग्रुप डी का स्पेशल मैथ्स क्रैश कोर्स बैच। जिस बैच में गाइस हम लोग करेंगे 50 प्लस लाइव क्लासेस, 1000 प्लस क्वेश्चंस, टॉपिक वाइज टेस्ट और आपके डाउट क्लियरिंग भी मैं ही लेके आ रहा हूँ आपके लोगों के लिए। रेलवे में अपनी सीट पक्की करने के लिए अभी ज्वाइन करें इस बैच को। डिस्काउंट के लिए यूज करें मेरा कूपन कोड Y170।